का स्वागत है आपका नए साल में अपने फैंस को आपने नैना माथुर वाला तोहफा दिया है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, नए साल में नया काम और नया अंदाज, तो मज़ा आ रहा है। ओके, सबसे पहले नैना माथुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितनी रिलेट कर पाती है शिल्पा के साथ? हाँ एक्चुअली अगेन बहुत हाँ सही पकड़े हैं हाँ दबंग तो है और मेन वही है कि फुल ऑफ लाइफ है नैना माथुर। एक्चुअली कैरेक्टर उन्होंने बहुत फुल ऑफ लाइफ दिखाया है, जैसे कि इसमें हीरोइन है नैना अपनी हसीना मलिक, जो बहुत बहुत सीरियस नहीं है, ऑब्वियसली ब्यूटीफुल कैरेक्टर है, बट ऑब्वियसली अपने एक अंदाज में बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। करिश्मा सिंह है, वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, तो ये उन दोनों का वो है। आई मीन नैना माथुर वो चीज़ है, एक्चुअली उसका बिरबल माइंड है, ऐसे बताया है कि करिश्मा सिंह लाते बूते मार के काम निकालती है, तो जो हसीना मलिक है वो बहुत इमोशनल है और बहुत सोच समझ के प्यार से समझाती है, तो ये प्यार और लाते बुके मतलब मुझे पिस्तौल की भी हाँ मिक्सचर के मतलब चतुराई से बेसिकली लेडी बिरबल है। सो लवली नाइस कैरेक्टर, मैंने एक वेब सीरीज़ की है तो उसमें मेरा है पुलिस मतलब कॉप का रोल। तो जब ये बता लेना था पहले थॉट आपकी, जब आपको बताएगा कि नरेट किया गया तो पहला थॉट आपके माइंड में क्या था? पहला थॉट था डेली सो लेकिन हाँ ऑब्वियसली कैमियो इन द सेंस, ऑब्वियसली आजकल जैसे शो में होता है एज अ मेरे फैन फॉलोइंग जो है, जो ऑडियंस मुझे देखना चाहते हैं उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लिया है कि मैं कुछ और इसमें फ्लेवर ला पाऊँ। बाकी कहाँ तक जाता है कैसे जाता है इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बट हाँ ऑलरेडी ये शो बहुत अच्छा है, इसमें स्टोरी वाइज अभी जैसे कि इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, सो ऐसा नहीं है स्टोरी में, बट कुछ भी हो सकता है फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो, अच्छी हो या जो भी है, शो में तो कुछ भी कर सकते हैं ऊपर से। प्रोमो में देखा हमने आपका यू नो हॉट होता है, मतलब आपके आते ही गर्मी ठंडियों में भी गर्मी हाँ बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, तो अच्छा लगता है जब आप मतलब कुछ अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि टीवी पे वही चीज़ें बहुत होती है और ऑडियंस को भी कोई नई चीज़ नए कैरेक्टर में आई विश एक्सेप्ट करे वो लोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस है। अभी मैं आऊँगी तो और बहुत सारे चेंजेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल से चल रहा है शो, तो ऐसा नहीं लगता मुझे मेरी ज़रूरत थी, बट ठीक है मज़ा आ रहा है। एग्जैक्टली हाँ मेरा इलाका है ऐसा मत बोलो, बहुत वही पहला वही था जब इन्होंने मुझे भी कहा कि हम शूट करते हैं नायगांव, तो एक लंबी खामोशी थी, बहुत लंबी खामोशी थी, वो कह रहे हेलो हेलो फ़ोन कट हो गया हेलो, मैंने कहा नहीं मैं फ़ोन पे हूँ, हाँ नायगांव गाँव है गाँव, बट ठीक है हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए, लोग एक्चुअली बहुत मेहनत करते हैं, अगर सोचे तो लाइफ में मैंने देखा है लोग बहुत मेहनत करते हैं, कोविड के बाद बहुत सारी चेंजेस हो गए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी काम आप करते हो तो मैं तो कोई भी काम करती हूँ तो मैं पॉजिटिवली लेती हूँ, लेकिन हाँ पॉजिटिवली ही उसका इंडिया एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ शुरू होगी, आप उस चीज़ को ख़त्म ही नहीं करोगे तो नहीं होगी, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ के लिए, बस और क्या बोलूँ।